कैसा किया है ये तो लोग तय करेंगे कि हमने कैसा काम किया है। एक तो ये नहीं कह सकता कि अफजल इमाम ने कभी चोरी किया, निगम से किसी का चाय भी पिया होगा। अगर हालात आएंगे तो ज़रूर लोगों के साथ कदम में कदम मिलाकर चले। नगर निकाय चुनाव का बिगुल फूंका गया है और तमाम जो उम्मीदवार हैं उन्होंने भी अपनी तैयारी कर ली है। पटना में हम मौजूद हैं और पटना के लिए जो मेयर की सीट है उस पर कई दावेदार हैं। हमारे साथ अफजल इमाम साहब हैं, पूर्व मेयर रह चुके हैं और एक बार फिर उन्होंने ऐलान किया है कि वो चुनावी मैदान में होंगे। सबसे पहले तो सर बधाई कि फिर से आप चुनावी मैदान में हैं। क्या तैयारियां हैं और इस बार कौन से मुद्दे होंगे? देखिए, तैयारियां तो आप हज़ार कीजिए, जाना तो जनता के बीच है, चूँकि चुनाव तो इस बार चेंज है और पब्लिक को वोट करना है, तो हर लोगों तक पहुंच जाए, हर मोहल्ले में पहुंच जाए, हर वार्ड में पहुंच जाए, ऐसी कोशिश है कि सब लोग जान जाए। एक तो पहले से ही लोग जानते हैं इस शहर के लोग के नगर निगम से जुड़ा ये चुनाव है, नगर निगम के महापौर का, और हम लोग तो 20 साल से नगर निगम में ही लोग काम कर रहे हैं, वर्षों तक महापौर रहे हैं, तो तैयारी यही है कि लोग जाने काम कैसा किया है ये तो लोग तय करेंगे कि हमने कैसा काम किया है। क्या लगता है? मेरी कोशिश ये है कि लोगों से अपनी उनकी दुआएं लेने, उनका आशीर्वाद लेने, उनकी मोहब्बत लेने, वहां तक पहुंचे हर मोहल्ले में और हर वार्ड में। लोग कहते हैं कि चुनाव में नेता हार जाते हैं, चुनाव के वक्त ही आते हैं। आपको देखा गया कि आप लगातार सक्रिय रहे, तो वो कौन सी जो सबसे ज़्यादा दिक्कतें थी इस बार आम आवामों में दिखी है? देखिए, ये फितरत में शुमार है कि लोगों के साथ रहना। सच पूछिए तो अगर कहीं हम जैसे लोगों को इंग्लैंड और अमेरिका के खूबसूरत वादियों में और स्विट्ज़रलैंड में भी रख दीजिएगा तो दिल नहीं रहेगा। दिल तो इसी शहर में रह लगता है जहाँ पैदाइश है और जहाँ की गलियों में खेलकर बड़े हुए हैं और जहाँ की शहरों में और गलियों में सड़कों पर काम किया है, लोगों के साथ रहे हैं, लोगों के साथ वक्त गुजारा है। तो यकीनी तौर पर जो भी लोग कह रहे हैं कि देखते हैं, तो ये मेरा दिलचस्पी इसी में है, इसी काम में हमारा आइडियोलॉजी है, इसी काम में मेरी कोशिश है कि हम रहें, और जिस काम में आदमी को रुचि रहता है वही तो करता है। तो ये काम ही है कि लोगों के साथ रहें, लोगों के दुख सुख में रहें, लोगों से चर्चा में रहें। तत्कालीन जो महापौर हैं उनको लेकर ये चर्चाएं रहीं कि सिर्फ रिबन काटने का काम किया गया, इसके अलावा कोई भी एक बेहतर ढंग नहीं किया गया इस सिटी के लिए? नहीं, देखिए, उस पर बहुत कुछ बोलना नहीं है, हर प्रत्याशी अपने लेवल से काम करता है। महिला सीट था और वो सीनियर लेडी हैं, काफ़ी बड़ी हैं, इस उम्र में तो जिस पार्टी से वो आती हैं वो पार्टी तो इस उम्र में टिकट भी काट देती है माननीय सांसदों और विधायकों का। तो उन्होंने जो भी किया तो अपनी तो भरपूर कोशिश की होगी। किसी पर एतराज़ जताना, किसी के ख़िलाफ़ बोलना, ये मेरा अपना जो रवैया है उसमें उसको हम ठीक नहीं समझते। मैंने जो काम किया है और मेरी जो कोशिश रहती है या कोशिश रहती थी, या पूछेंगे उस वक्त के पार्षदों से या कर्मचारियों से, तो हम जो समझते हैं कि मेरे मुखालिफ भी जो पार्षद होंगे, मेरे विरोध में भी होंगे, एक तो ये नहीं कह सकता कि अफजल इमाम ने कभी चोरी किया, निगम से किसी का चाय भी पिया होगा। और कर्मचारी तो हमारे गरीब ही है ना, आप बेसिक देखिए कि जो काम करते हैं नगर निगम के कर्मचारी मजदूर डेली वेज पर, कितनी मेहनत और मशक्क़त से और कैसा काम करते हैं। सच्चाई ये है कि वो जिस लेवल का काम करते हैं उतना मुआवजा उनको नहीं मिल पाता है, दुश्वारियाँ जो भी हो। तो इस बार क्या, जब अगर आप जीतते हैं, आप महापौर बनते हैं, तो क्या इन मजदूरों का कल्याण होगा? क्योंकि दावे हर कोई करता है, वादे हर कोई करता है, पूर्व में आपने किया, क्या वो चीज़ें फिर से एक ढांचा बन के काम करेगी? देखिए, हम जब थे तो मेरी कोशिश ज़रूर रहती थी कि उचित मुआवजा उन्हें मिलना चाहिए, और मैक्सिमम लोग भी उस वक्त बहाल हमारे वक्त में हुआ या जो भी काम कर रहे हैं। अब तो सरकार ही ऐसी है, या माननीय मुख्यमंत्री ने अभी घोषणा किया कि 10 नहीं 20 लाख रोज़गार देंगे, और जो देश के नहीं बल्कि दुनिया के यंगेस्ट और एनर्जेटिक लीडर हैं
माननीय बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी, तो उनका तो ये काम ही है, और पहले से ये कह रहे हैं कि कार्रवाई वाली सरकार, तो कार्रवाई यही तो है, रोजगार वाली सरकार, तो उनकी तो ख्वाहिश है, उनका तो ये ख्वाब है कि लोगों को रोजगार देना। और सबसे बड़ा खुशकिस्मती की बात यह भी है कि उनको नगर विकास मंत्रालय मिला है, और नगर विकास मंत्रालय में ये मजदूर काम कर रहे हैं, तो पूरा उम्मीद है कि इन लोगों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, कर्मचारियों के लिए, या और भी जो सड़कों पर फुटपाथी दुकानदार हैं, हम जब मेयर थे तो उस वक्त भी फुटपाथ के दुकानदारों को हटाया जाता था, और जत्था में जत्था, यानी जो भी लोग उनकी यूनियन के थे या मजदूर यूनियन के या फुटपाथी दुकानदारों के यूनियन के, हमारे पास आते थे। ठीक है, मैं कई बार बड़े अफसरान जो हैं हमारे जिला पदाधिकारी महोदय के माध्यम से, या म्यूनसिपल कमिश्नर या जो भी बड़े पदाधिकारी, उनके माध्यम से ये डायरेक्शन कर दिया जाता था कि फुटपाथी दुकानदारों को आप हटाइए। मैं समझता हूँ कि फुटपाथी दुकानदारों से कुछ डिस्टर्बेंस होता है। मैं अपने मीटिंग के दौरान हमेशा ये बड़े अफसरान को ये कहता था कि ठीक है, आप ऐसे दुकानदारों को ज़रूर हटाइए जिनसे बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, या आम लोग जिनका आना जाना आगमन में दिक्कत है, लेकिन जो जिससे लोगों को बहुत प्रॉब्लम नहीं है, ये नहीं कि जौ के साथ घुन भी पीस दीजिए, तो ऐसे दुकानदारों को हरगिज़ नहीं हटाइए, और हटाइए तो फिर उनकी व्यवस्था, उनको व्यवस्थित कर दीजिए कि वो दूसरे जगह रोज़गार के लिए, रोज़गार उनको मुहैया आना चाहिए, जो कि हम लोगों की लगातार कोशिश हुई है। तो एक आखिरी सवाल लेंगे, पटना डूबा था, कोरोना का वैश्विक महामारी सब लोगों ने झेला, इस दौरान आपकी सक्रियता जो है नज़र आई, ऑक्सीजन की बात करें या फिर जब वाटर लॉगिंग हुआ उस दौरान भी लोगों तक जो ज़रूरत की चीज़ें थी पहुँचाई थी, तो क्या लगता है इन तमाम चीज़ों को भी लोग याद रखते हैं? ये क्यों एक बेसिक सवाल है। देखिए, इस पर बहुत क्रेडिट लेना नहीं चाहते, ये अपना आप फितरत है, ये अपना अपने नेचर में है, करेंगे ही, चुनाव लड़ें नहीं लड़ें, पद पर रहें नहीं रहें, लेकिन ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि ऐसे हालात फिर ना आए, लेकिन अगर हालात आएंगे तो ज़रूर लोगों के साथ कदम में कदम मिलाकर चलेंगे। और मेरा देश तो इसलिए भी महान है कि यहाँ जो इतनी बड़ी बीमारी आई, इतनी बड़ी आफत आपदा आई, तो उसमें लोगों ने ही तो लोगों का मदद किया है, हर इंसान जिसके पास जो भी सलाहियत थी, इंसान ने इंसान को बचाया है, तो मेरा अपना ये फितरत है, और इसको हम, मुझे उम्मीद है कि जब तक, और ये आशा भी है और दुआ भी है कि जब संक्षिप्त में जानेंगे सर, क्या कहेंगे अपने वोटरों से? नहीं, वोटरों से तो यही, हर कैंडिडेट, हर प्रत्याशी, हमारी पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, डॉक्टर महजबी, और लोगों से ज़रूर आग्रह करेंगे कि वो मुझे मोहब्बत अपनी दें, अपना यकीन दें, अपना विश्वास दें, अपना मत दें। मत तो यकीनी होता है, और यकीन तो उसी पे किया जाता है कि जिस पर भरोसा इंसान को हो जाए कि आदमी मेरे लिए लड़ेगा, हर चुनौतियों को मेरे लिए पार करेगा, तो आग्रह तो होगा कि आप मेरे साथ रहेंगे, तो मैं निश्चित रूप से हर हाल में आपके साथ रहूँगा, और आपके जो आपकी जो जिम्मेदारियाँ हैं उसको उस पर उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। अफजल साहब थे हमारे साथ, और निश्चित तौर पर तैयारियाँ कुछ खास नहीं है, लेकिन जो मुद्दे जनता के होंगे और जनता को किस तरीके से हर मौके पर लाभान्वित किया जाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो काम है वो किया जाएगा। बहरहाल जो चुनावी रन है नगर निकाय का, वो सजा हुआ है, और जो पहले उम्मीदवार की खबर फर्स्ट बिहार ने आपको दिखाई वो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई सवाल भी होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ताकि अगले बार जब इनसे रूबरू हों तो उन सवालों पर भी जिक्र लंबा किया जा सके। कैमरा सहयोगी डब्लू के साथ फर्स्ट बिहार के लिए आर्यन, पटना।